नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट के लिए साइंस की थ्योरी एनसीईआरटी से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सीटेट का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। आज हम लोग फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कंपन कर रहा है, कितने 5000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से कंपन कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि उसका आवर्तकाल क्या होगा। चूंकि हमें दिया गया है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 5000 हर्ट्ज, तो इसका आवर्तकाल पूछा है। चूंकि हम जानते हैं आवर्तकाल जो होता है 1/ फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है, तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं 1/5000 जब हम करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.0002 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इसमें कुछ टर्म दिए हुए हैं, पूछ रहा है भूकंप से कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है या भूकंप किस कंडीशन को काज कर सकता है। पहला ऑप्शन है, ये बोल रहा है तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी और बाढ़। तो दोस्तों भूकंप से क्या हो सकता है, भूकंप से भूस्खलन हो सकता है, सुनामी आ सकती है और बाढ़ आ सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, डी और ई, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों जो ये पेपर सोल्यूशन है वहां पे केवल दो ऑप्शन दे रहा है, भूस्खलन और सुनामी, तो ये वहां पे गलत आंसर दे रहा है। क्योंकि जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी है उसमें दिया है कि भूकंप से जो है भूस्खलन भी हो सकता है, सुनामी और बाढ़ तीनों आते हैं भूकंप से। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग द रॉड एंड कोन इन ह्यूमन आई। दोस्तों जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि जो कोन होती है ये बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इनको किस विजन में यूज करते हैं, फोटोपिक विजन में यूज करते हैं। और ये यूज की जाती हैं किस लिए, कलर विजन के लिए भी। और दोस्तों जो रॉड होता है वो डिम लाइट में सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको टॉपिक विजन। तो अब हम दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, जो कोन होती है या इसे हम शंकु कहते हैं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तो ये गलत है। अभी हमने बताया कोन किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन दिया है जो शंकु होता है वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। तो दोस्तों ये सही है ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने बताया कोन जो है लाइट सेंसिटिव होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, रॉड जो होता है या शलाकाएं जो होती हैं वो सेंस करती हैं कलर को, तो ये रॉन्ग है। अभी हमने बताया शंकु जो होता है ये कलर को सेंस करता है, रॉड नहीं। चौथा ऑप्शन है, रॉड सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए, तो ये भी रॉन्ग है। अभी हमने बताया शलाकाएं किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, ये डिम लाइट के लिए जो है सुग्राही होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किस प्लैनेट के पास अपना जो है कोई नेचुरल उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन यूरेनस है, इसके पास कितने उपग्रह की संख्या होती है, इसके पास 13 उपग्रह होते हैं। जो वीनस होता है इसके पास जो है, वीनस के पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं होता, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। वीनस और मरकरी जिसे हम बुध कहते हैं, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। वीनस को शुक्र कहते हैं, इन दोनों के पास कोई अपना उपग्रह नहीं होता है।
और जो ये जुपिटर है इसे बृहस्पति कहते हैं, इसके पास 53 उपग्रह हैं। और मंगल मार्स को कहते हैं, इसके पास जो है 2 उपग्रह हैं। तो दोस्तों किस प्लैनेट के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा खाने योग्य प्लांट है? सेलेक्ट करो पेयर ऑफ द प्लांट जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या, बनाना। बनाना तो दोस्तों जो बनाना होता है इसका फ्लावर, और फ्रूट दोनों एडिबल होता है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए किस में है? ए सेकंड वाले में ए, और बी डी पंपकिन है। पंपकिन का भी दोस्तों फ्रूट और इसका बेल जो होता है ये खाने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें डाइजेशन का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो हमने दोस्तों बताया था जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो जो हमारा इसोफेगस है इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है, इसमें क्या होता है? इसमें केवल वाटर का जो है एब्जॉर्बशन होता है। और ये जो वाटर का एब्जॉर्बशन होता है इसके किस रीजन में? इसके कोलन रीजन में होता है। और रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में दोस्तों बेस जो होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है, फिर हम उसको डेफिकेशन के थ्रू मल के रूप में त्याग देते हैं। तो इसमें किस में पाचन नहीं हो रहा है? पहला ऑप्शन, इसमें तीनों में पाचन नहीं होता है। बाकी सब में क्या है? बक्कल कैविटी है दोस्तों। तो हमने बताया था बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में जो हमारी बक्कल कैविटी या मुख गुहिका होती है इसमें जो स्टार्च या मंड होता है इसका 30% डाइजेशन हो जाता है। जो हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें से दीर्घ रोम या बिलाई के बारे में सही स्टेटमेंट बताओ और उन कथनों की पहचान करो कि जो बिलाई होते हैं ये भोजन को पाचन के योग्य बनाने वाले लक्षण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ढेर सारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें ढेर सारी बिलाई पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ये क्या होती है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। बहुत थिन वॉल्ड होती हैं ये बिलाई, थिन वॉल्ड होती है। इनके चारों ओर क्या होता है? इनके चारों ओर ब्लड की कैपिलरी से सराउंडेड होती है। और इनका काम क्या होता है दोस्तों? ये दीर्घ रोम या बिलाई इनका काम है इंक्रीज करना सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को इंक्रीज करना किस लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना इनका काम होता है। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर थिन वॉल्ड, तो ये करेक्ट है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल रन करती हैं क्लोज टू सरफेस, तो ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन है इसमें स्मॉल पोर होते हैं जिसके थ्रू फूड आसानी से जो है गुजर सकता है, तो ये रॉन्ग है। इसका ये काम नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? केवल हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाना जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से जो जुआली करने वाले जंतु हैं उनके समूहों को चुनो। दोस्तों जो जंतु जुआली करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। जो
गाय भैंस होती हैं, इनको इस श्रेणी में रखा जाता है। या जो जंतु घास खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत रिच मात्रा में सेलुलोज होता है। सेलुलोज होता है, ये जंतु क्या होते हैं, करते हैं भोजन को क्विकली क्या कर लेते हैं, क्विकली क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सेलो करके, सेलो करके स्टोर कर लेते हैं। कहाँ, पार्ट ऑफ द स्टमक में, जिसे रूमेन कहते हैं, रूमेन वहां स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है रूमेन में भोजन का पार्शियली डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कड कहते हैं। इसके बाद ये कड क्या है, स्मॉल लंप के रूप में, स्मॉल लंप के रूप में हम उसके माउथ में आता है, स्मॉल लंप के रूप में उसके माउथ में आता है, जिसे जानवर क्या करते हैं, धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम रूमिनेशन कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, जो ज्वाली करने वाले होते हैं, हमारी भैंस होती है, गाय होती है और हिरण होता है, ये सब ज्वाली करने वाले जंतु हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी क्या होता है, शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी मांसपेशियों में क्या आता है, क्रैम्प आने लगता है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो हमारी मसल में होता है, जब इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जब हम बहुत थका महसूस करते हैं, एनएरोबिक कंडीशन जब हो जाती है, तो उस टाइम क्या होती है, जो ग्लूकोज हमारी मसल में होती है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो क्रैम्प होता है वो किस वजह से आता है, कन्वर्जन होता है किसका, ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में, या हम कह सकते हैं पाइरुवेट का लैक्टिक एसिड में। ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, इसके बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि पाथ ऑफ यूरिन, मार्ग यूरिन का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सही क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारी किडनी है दोनों, ये किडनी है, ये क्या है, ये यूरेटर है, यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, और ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग। तो दोस्तों हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में जो होता है वो यूजफुल एंड बेसफुल दोनों प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में। ये ब्लड आता है कहाँ, किडनी के पास आता है फिल्ट्रेशन के लिए। जब ये किडनी के पास आता है तो जो इसमें यूजफुल सब्सटेंस होता है वो ब्लड के द्वारा दोबारा क्या कर लिया जाता है, दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट सब्सटेंस है इनका क्या है, किडनी के द्वारा क्या हो जाता है, फिल्टरेशन हो जाता है, और फिल्टरेशन करके किडनी उसको यूरिन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये यूरिन जो होता है यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, फिर स्टोर होने के बाद ये यूरिथ्रल ओपनिंग से क्या है, बाहर निकल जाता है। तो पहला सिक्वेंस क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में यूरिन बनेगी, फिर यूरेटर से होते हुए वो आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ स्टोर होगा, फिर यूरिथ्रा से, और यूरिथ्रा से होते हुए यूरिथ्रल ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बस है वो कवर करती है फर्स्ट 10 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी, एवरेज स्पीड उसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर हावर, और जो रिमेनिंग है 45 किलोमीटर उसमें एवरेज स्पीड उसकी कितनी औसत चाल से तय करती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि बस की संपूर्ण औसत चाल बताओ टोटल जर्नी के दौरान। तो दोस्तों हम जानते हैं औसत चाल क्या होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं कुल दूरी अपॉन कुल समय कितना लगा। तो दोस्तों हमें दूरी पता है लेकिन समय नहीं पता है। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो समय हम पहले के लिए मान लेते हैं t1, तो इसको हम कैसे निकालेंगे,
दूरी कितनी है पहले की 10 है और जो चाल है उसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला टाइम हो जाएगा 1/4 घंटा, 1/4 घंटा। और दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, दूरी और जो चाल है उसकी 60, तो ये टाइम हो जाएगा 3/4 घंटा। तो दोस्तों आप इसको पुट करेंगे तो जब इसमें तो औसत चाल आ जाएगी, बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 10 + 45, 10 + 45, और टोटल टाइम कितना 1/4 + 3/4 घंटा, तो ये आ जाएगा कितना 55/1 इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो यूज किया जाता है किसके लिए, वस्तु का आभासी और विवर्धित इमेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसके लिए सेकंड करेक्ट है। दोस्तों हम इसको अपनी थ्योरी में कवर कर चुके हैं, आप लोग वहां से जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलियो जो होता है वो किसके द्वारा कास्ट होता है। तो हम सभी जानते हैं पोलियो जो है एक विषाणु के द्वारा होता है। आजकल दोस्तों पोलियो की वैक्सीन भी चल रही है, पोलियो की वैक्सीन भी चल रही है, ये पोलियो को रोकने का एक तरीका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी बताओ किसकी, प्लास्टिक की। तो दोस्तों जो प्लास्टिक होता है वो बहुत हल्के वेट का होता है, नॉन रिएक्टिव होता है और बहुत ड्यूरेबल का मतलब बहुत टिकाऊ होता है, नॉन रिएक्टिव भी होता है और साथ साथ ही ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दोस्तों बाकी सारे ऑप्शन में क्या दिया है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि प्लास्टिक हम सभी जानते हैं कि ये कुचालक है, विद्युत का ये सुचालक नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता क्या होती है। तो इसको हम बता चुके हैं कि डायवर्सिटी का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डायवर्सिटी का मतलब ही है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पाए जाएं। तो दोस्तों बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वो बोल रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसीज नहीं, अभी हमने बताया कि यहाँ पे वैरायटी पाई जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ये फ्लोरा एंड फाना का केवल पर्टिकुलर स्पेसीज, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वैरायटी ऑफ स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाना, मतलब इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ स्पेसीज पाई जा रही हैं इस एरिया में प्लांट और एनिमल स्पेसीज की, तो इसलिए ये बायोडायवर्सिटी को शो कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये बोल रहा है कि इसमें से कुछ टर्म दिए हुए हैं, इसमें से किस कौन सा कोशिका के केंद्रक का भाग है। तो दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर ऑफ सेल पे होता है, सेंटर ऑफ सेल के बीच में स्थित होता है न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस जो है सेल से सेपरेटेड होता है, किसके द्वारा, ये सेल से सेपरेटेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। तो दोस्तों जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है, ये अलाउ करता है क्या, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल किसके बीच, बिटवीन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके बीच क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कैरी करता है जीन और ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन। दोस्तों क्रोमोसोम कब विजिबल होता है, ओनली तब विजिबल होता है जब सेल क्या करती हैं, सेल डिवाइड करती हैं, डिवाइड करती हैं तो अब
अब दोस्तों आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियस का पार्ट है। अभी हमने बताया कि क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोलस, ये तीनों किसके पार्ट हैं? ये तीनों न्यूक्लियस के पार्ट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट होता है, घटना होती है मानव में जनन की अवधि का, उसका सही क्रम बताओ। तो दोस्तों हमने बताया था थ्योरी पढ़ाते समय, मान लो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, तो पहली प्रोसेस क्या होगी? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, इनका फॉर्मेशन होगा। फिर इनका क्या होगा दोस्तों? फिर इनका क्या होगा? इनका फर्टिलाइजेशन होगा। जब ये दोनों मिलेंगे, मेल फीमेल गैमेट्स, तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या बनेगा? जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो पहली स्टेप क्या है दोस्तों? पहली स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन, फिर क्या है? फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इसमें दे दिया है दोस्तों, इसमें दे दिया है एम्ब्रियो, तो ये रॉन्ग है। पहला स्टेप गैमेट्स फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटी में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए वाटर में, जिस वाटर में क्या है? टैडपोल ग्रो कर रहा हो। तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैडपोल का एडल्ट में चेंज होना क्या कहलाता है? ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। जिस वाटर में टैडपोल ग्रो कर रहा होता है उसमें सफिशियंट आयोडीन चाहिए होती है। जब जब उस वाटर में सफिशियंट आयोडीन रहेगी तभी ये टैडपोल जो है वो लार्वा से एडल्ट में चेंज होगा। अगर उस वाटर में सफिशियंट आयोडीन नहीं है तो ये टैडपोल एडल्ट में कभी चेंज नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? आयोडीन। दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरी या तीसरी बार पूछा जा रहा है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हम अपनी थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है 6 kg है, वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है किस पे? घर्षण रहित हॉरिजॉन्टल टेबल पे। और उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ये बोल रहा है कितना फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सेम स्पीड से अलोंग द स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जब वस्तु क्या है नियत वेग से, ये बोला यूनिफॉर्म स्पीड नियत वेग से क्या कर रही है? क्षैतिज तल पर गति करती है, गति करती है, तो उस पर क्या कर, उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है, कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। क्षैतिज तल पे नियत वेग से चल रही है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो उस पे कोई बाह्य बल काम नहीं करता, नहीं करता, इसलिए सरल रेखा, इसलिए सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश कार्य करने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? वो शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 0 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में, कच्चे आम में। और जो ये लीमन अम्ला है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? अनराइप्ड कच्चा आम और अंगूर, सी और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सीटेट के साइंस पेपर का जो फरवरी 2015 में हुआ था उसके 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है हमारी थ्योरी में बहुत अच्छे से कंप्लीट किए गए हैं। ये थ्योरी टोटल 18 लेक्चर में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है।
आप उसे जाके वहां देख सकते हैं। उसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से बताया गया है दोस्तों, और कोई भी क्वेश्चन उस थ्योरी के बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग उसको देख के तैयार कर लीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।